आज शहीदी दिवस भी है और कोरोना की मार से देश जूझ रहा है। संसद के गलियारों में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान से मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार ने मुलाकात की है। इस वक्त हमारे साथ हैं, आप ये लेकर आए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं शहीद आजम भगत सिंह को। आज के दिन शहीद आजम, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1931 में लाहौर की जेल में फांसी दी थी, तो आज उनकी बरसी जो है उसके लिए हम श्रद्धा के फूल लेकर आए हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी लेकर दी। और मैंने लेटर भी दिया है स्पीकर साहब को कि ऑन रिकॉर्ड उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनको शहीद का दर्जा मिले उन तीनों को। और जब वो सेंट्रल हॉल में अंग्रेज़ हुकूमत के कानों तक आज़ादी की गूंज पहुंचाने के लिए एक छोटा सा बम लेकर आए थे और दर्शक गैलरी में जिन सीटों पर वो बैठे थे उनको रिजर्व किया जाए उनके नाम पर। शहीद आजम है भगत सिंह, शहीदों को दर्जा तो दिया हुआ है इन तीनों को? होम मिनिस्ट्री जो है उनको सामाजिक कार्यकर्ता मानती है इन तीनों को। उनके गांव की एक कमेटी भी बनी हुई है खटखट कलां की, जो जंतर मंतर या वाराणसी में महीना महीना बैठकर उन्होंने प्रदर्शन किया है कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इनको शहीद का दर्जा ऑफिशियली दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो उनको शहीद नहीं मानती। क्या मांग करने वाले हैं आप और इसको लेकर आप क्या आगे? श्रद्धा के फूल अर्पित किए जाएँ हाउस में ऑन रिकॉर्ड, और उसके बाद उनकी जो सीटें हैं उनको रिजर्व किया जाए और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। कोरोना की बात करें, कोरोना वायरस को लेकर जो जागरूकता अभियान है और लॉकडाउन किया गया है पंजाब में भी और अलग अलग प्रदेशों में हम देख रहे हैं, क्या ताज़ा हालात हैं पंजाब की बात करें? पंजाब में पूरा लॉकडाउन है। पंजाब में कुछ लोग जो विदेश से आए थे वो छुप गए, जब भाग गए या लापता हो गए, उनको ढूंढा जा रहा है। मैं उन्हीं को ये कहूँगा कि छुपने से भागने से बीमारी ख़त्म नहीं होगी, आप सामने आइए, अपना इलाज करवाइए और किसी को ये बीमारी ना फैलाएं। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर 7976306060 और मेरी ईमेल आईडी bhagwantmana@gmail.com, मैंने जनता की यह वीडियो जारी करके पूरी दुनिया में जहां भी कोई भारतीय है, चाहे पंजाबी है, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट का है, अगर एयरपोर्ट पर वो फंसे हैं तो विदेश मंत्री जी से मेरी बात हुई है डिटेल में, तो उनको वहाँ की एम्बेसी, वहाँ के जो भारतीय दूतावास हैं उनको हेल्प करेंगे, और जितनी देर तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू नहीं होंगी तब तक एम्बेसी उनकी टेक केयर करेगी। करने के लिए और भगवत मान शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी दिवस पर नमन करते हुए, और जो उनकी सीटें थी अंदर जब जहाँ से उन्होंने बम फेंका था उनको रिजर्व किया जाए ये मांग करते हुए, तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर भी पंजाब में जिस तरीके से वहाँ पर लॉकडाउन किया गया है, लोग पैनिक ना हो और वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, विदेशों में से जो लौट कर लोग आए हैं वो अपनी जांच पड़ताल कराएं, ये अपील करते हुए कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।